ये ड्रेस बिल्कुल सेम वैसा ही रेडी हुआ है जैसे पाकिस्तानी मॉडल ने वेयर किया था, वैसा ही हैंडवर्क, सब कुछ फैब्रिक वैसा ही इन्होंने यूज किया है। और साथ में आज हम करने वाले हैं कुछ पाकिस्तानी सूट की शॉपिंग, और आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी ही बुटीक पे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइव विद सेब। बुटीक एंटर होते ही मेरी नजर पड़ी एक बहुत ही प्यारे ब्राइडल आउटफिट पे जो इन्होंने कस्टमाइज किया था, और सारा का सारा इस पे हाथ का काम किया था, और साथ में स्कोर हैवी बनाने के लिए नीचे यहाँ पे इस तरह से इसको लेस लगा दी थी स्कोर हैवी लुक देने के लिए। और जिनका ये ब्राइडल ड्रेस था वो चाहते थे कि इनका ड्रेस सेम वैसा ही बने जैसे पाकिस्तानी मॉडल ने ये ड्रेस वेयर किया था। उन्होंने सिर्फ इनको एक मॉडल पिक दी थी और इन्होंने सेम ये ड्रेस वैसा ही बना दिया। पाकिस्तान में इसका प्राइस 4-5 लाख का था, और ये चाहते थे कि वही वाला ड्रेस ही बहुत ही कम बजट में ये कस्टमाइज करके दें। कुछ रील्स एंड कुछ इस तरह की वीडियोज होती है जो आप पाकिस्तान में जाके बाय नहीं कर सकते आप ड्रेसेस, बट इंडिया में भी आप उसी तरह के ड्रेसेस आप इनसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप दुपट्टे को हैवी बनाने के लिए इन्होंने लेस विद हैंडवर्क का यूज किया था, और फैब्रिक क्वालिटी इन्होंने बहुत ही अच्छी यूज़ की थी, कहीं से भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं था फैब्रिक में भी और वर्क में भी। हर कोई चाहता है अपने शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना, और आप भी अपने ड्रेसेस जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमाइज करवा सकते हो इनसे। शरारे के साथ इन्होंने कैन यूज़ किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना ड्रेस कस्टमाइज करवाना अपना, आप इनको मॉडल पिक दे सकते हैं, ये सेम आपका ड्रेस जो है वैसे ही रेडी करके दे देंगे। और बहुत टाइम के बाद आज मैं पाकिस्तानी सूट बाय करने वाली हूँ अपने लिए, और काफ़ी टाइम से मैं ड्रेस कस्टमाइज ही कर रही थी, बट मैंने सोचा आज ड्रेस हम कस्टमाइज नहीं करेंगे, आज हम कुछ पाकिस्तानी सूट की शॉपिंग करेंगे। तो मुझे अपने लिए सूट लेना था, एक अम्मी के लिए सूट लेना था मुझे, और साथ में मैंने सोचा क्यों ना आपको ब्राइडल कलेक्शन भी इनकी बता दूं। तो मैं इनकी ब्राइडल कलेक्शन भी आपको बता देती हूँ इनके इनके पास कौन कौन सी आई है, और बहुत सारी कलेक्शन आपको इनके पास मिल जाएगी। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स में ही डील करते हैं, इनके पास ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स मिलेंगे, और साथ में जो आपने ड्रेसेस कस्टमाइज करवानी है आप ड्रेसेस कस्टमाइज करवा सकते हो, हाथ का काम वाला जो भी करवाना है आप इनसे करवा सकते हो। ये इसकी मॉडल पिक थी, और साथ में इसके पैचेस आ जाएंगे, और जो आप दुपट्टा देख रहे हो दुपट्टा टिश्यू का आएगा, और साथ में ये सारी कलियां आएगी जो आप देख रहे हो, सारी कलियां हैं। और जब ये रेडी होगा ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाउन लगेगा, आप इसका गाउन बना लें या लहंगा बना लें या फ्रॉक बना लें, जो आपका मन करे आप बना सकते हो। प्रॉपर कलियां दी है इसकी, और ये आपका सूट जो है आप इनसे स्टिच करवा सकते हैं क्योंकि इन्होंने मास्टर रखा है। और जो इस तरह के सूट्स होते हैं ना, ये हमेशा नॉर्मल टेलर से नहीं आप स्टिच करवाएं, क्योंकि आपका सूट जो है ना प्रॉपर वैसा स्टिच नहीं होगा जिस तरह से मॉडल ने वेयर किया है फोटो में। अगर आप चाहते हैं अपना ड्रेस सेम जिस तरह से फोटो में मॉडल ने वेयर किया है उसी तरह से बनाना, तो आप इनसे स्टिच करवा लें, बहुत ही अच्छे से आपका सूट स्टिच करवा के देंगे। और मैंने भी इनसे बहुत सारे सूट सिलवाए हैं ये, और हाथ के काम वाले भी आपने देखा होगा, रेड कलर का सूट जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था वो भी मैंने इनसे करवाया था, बहुत ही अच्छा इन्होंने मेरा सूट जो था वो उस तरह से रेडी किया था जिस तरह का मुझे चाहिए था। और जो इस तरह के लाइट्स कलर होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आजकल तो इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और ये आप देख रहे हो ये सारी कलियाँ दी है, ये कलियाँ जो है ये जब ये सूट पूरा रेडी होगा ना, ये रेडी होने के बाद ही प्रॉपर आपको समझ आएगी, और बहुत ही प्यारा गाउन आपका जो है ना बनेगा जब उसको केन लगेगी, तो बहुत ही प्यारा ब्राइडल कलेक्शन आपकी अच्छे वाले सूट जो है ना आपके रेडी हो जाते हैं। तो ये वाले ड्रेसेस जो है आज का बलीमे पे भी इस तरह के कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, या आप अपने एंगेजमेंट पे पहनना है वहाँ पे पहन सकते हैं, कज़न की शादी है सिस्टर की शादी है, तो इस तरह के सूट जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दुपट्टा के चारों तरफ से लगेगा, और जब ये रेडी होगा सूट जो है ना ये बहुत हैवी लगेगा। स्टार्टिंग में पाकिस्तानी सूट का ये होता है कि बहुत सारे पैचेस होते हैं, तो पैचेस देख के ना हम लोग घबरा जाते हैं कि ये सूट कैसे रेडी होगा। तो जब आप अपने मास्टर को देंगे ना, तो जो पाकिस्तानी सूट सीते हैं तो उनको पता होता है कि ये पैचेस कहाँ लगेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मॉडल पिक ये आपके पैचेस उसी तरह से लगाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा हैवी सूट नहीं चाहिए तो इस तरह के सेमी स्टिच सूट भी आपको इनके पास मिल जाएंगे। ये रमशा का है कि तवक्कल का, कुछ इसी ब्रांड का सूट था, और ये नीचे बॉर्डर पे हैवी आएगा, शिफॉन का सूट था, और ये कलर बहुत प्यारा था, और इसके साथ दुपट्टा इसका हैवी आ जाएगा, ये स्लीव्स आएगा, स्लीव्स पे भी वर्क था। और पाकिस्तानी सूट्स के जो बाजू होते हैं ना, ये हमेशा थोड़ा लूज़ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और ये दुपट्टा आ जाएगा, दुपट्टे पे भी फुली वर्क था, दुपट्टे के भी चार दोनों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा, और दो तरफ से लाइट वर्क था, और दोनों तरफ से हैवी बॉर्डर था, ये भी कलर बहुत ही प्यारा था, और ये वाला सूट भी बहुत प्यारा था। साथ में टसल्स वसल्स वगैरह सब कुछ लगे हैं, ये सेमी स्टिच में ये वाले सूट्स आ जाएंगे। जिसको पैचेस का झंझट नहीं चाहिए, जो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा पैचेस वगैरह सूट हो, तो वो ये वाले सूट्स भी बाय कर सकते हो इनके पास। इसमें भी बहुत सारी कलेक्शन इनके पास आपको मिल जाएगी, और मैंने नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया है, और इंस्टाग्राम नंबर भी मैंने इनका पेज दे दिया, आप इंस्टाग्राम पेज पे भी इनके जा सकते हैं या आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मारिया बी का सूट आएगा, ये भी इस कैटलॉग का हिट कोड है ये
वाला, ये भी शरारा में आएगा। आप शरारा बना लो, फ्रॉक बना लो, जो आप बनाना चाहो आप उस तरह से बना सकते हो। ये इसके शर्ट के फ्रंट पे आएगा इस तरह से, ये पैचेस दिया है। जब ये कटिंग करके अटैच होगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये इसके साथ ब्रोकट का कुछ इस तरह से इन्होंने फैब्रिक दिया था। ये जब शरारा लगेगा ऊपर बॉर्डर पे आएगा, और दुपट्टा इस तरह से इसका ये वाला आएगा। बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला भी, इस पर भी फुली वर्क आएगा। दुपट्टा इसका जो था कुछ ऑर्गेन्जा में था, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा टाइप में, और बहुत इसके साथ पैचेस वगैरह बहुत सारे दिए गए हैं। और जब रेडी होगा तो ये वाले सूट जो है ना वेयर करके बहुत ही डिफरेंट लुक आता है। शादी वगैरह में जब आप इस तरह के ये वाले सूट्स पहनते हैं ना तो बहुत ही डिफरेंट लुक आता है। इन पाकिस्तानी सूट्स की ना एक अपनी ही खूबसूरती होती है, जो हमेशा रेडी होने के बाद ही प्रॉपर वो वाले सूट जो है निखर के आते हैं। पैचेस इसके बहुत सारे दिए हैं, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा, बट स्टिच होने के बाद ही प्रॉपर आपको समझ आएगा। ये वाले पैचेस जो है ये इसके घेरे पे लगेगा। आई थिंक ये आएगा इस सूट का दुपट्टा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा इस टाइम, बट ये बहुत ही ज़्यादा हैवी दुपट्टा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ और भी पैचेस दिए गए हैं। और किसी को अगर चाहिए स्टिच गाउन इस तरह के, तो इस तरह की कलेक्शन भी आपको इनके पास स्टिच में मिल जाएगी। तो इसको आप अपनी फिटिंग के हिसाब से भी अगर आप इसको ऑल्टर करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा सकते हो। तो इस तरह के गाउन वगैरह भी आपको इनके पास तवक्कल ब्रांड के इस तरह के मिल जाएंगे। और ये वाले सूट जो है ये इन्होंने स्टिच किए थे, बहुत ही प्यारे इन्होंने कस्टमाइज करके रखे थे हैंडवर्क में इस तरह से। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया होगा, बहुत ही प्यारा इसका हाथ का काम किया था। इस तरह के ड्रेसेस भी आपको इनके पास मिल जाएंगे, और ये भी रमशा ब्रांड का सूट था। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और इस तरह से ये वाली शर्ट आ जाएगी, साथ में दुपट्टा आएगा, कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। ये भी आपका सेमी स्टिच में सूट आ जाएगा, पैचेस वगैरह नहीं आएंगे इसके साथ पैचेस वगैरह ऑलरेडी अटैच है। और इस टाइम बेस्ट पार्ट ये है इस शॉप का कि इनके पास इस टाइम लगी है पाकिस्तानी सूट्स में सेल, तो जल्दी जाएं इनके पास, आपको इस टाइम अच्छी प्राइस में अच्छे सूट्स आपको इनके पास मिल जाएंगे। शिफॉन में भी बहुत अच्छे सूट्स हैं इनके पास पार्टी वेयर में। और अगर आपको वेलवेट में फिरन कस्टमाइज करवाने हैं तो ये वेलवेट में हाथ का काम, तिल्ले का काम, इस तरह के ड्रेसेस भी कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। और तिल्ले का अगर हाथ का काम करवाना है आपको तो वो भी करवा सकते हो, मशीन का करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। विंटर की काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपको इनके पास मिल जाएगी, वेलवेट में, खद्दर में, लीलन में, इस तरह के बहुत सारे डिजाइनर सूट्स आपको इनके पास मिल जाते हैं। ये वाली शर्ट का बैक आएगा, ये मिनहाल ब्रांड का था, ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स ही मिलेंगे इनके पास। और ये जो है इसका नेक का पैच आएगा। ये वाले सूट जो होते हैं ना ये डिज़ाइनर सूट्स होते हैं, हमेशा ये बनने के बाद ही अच्छे लगते हैं। इनको आप नॉर्मल किसी फंक्शन वगैरह में डालना हो तो बहुत ही अच्छी लुक आती है इन वाले सूट से। इसके साथ इसका शॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी आएगा, शॉल भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये आएगा इसका शॉल जिसपे फुली वर्क था इसके शॉल पे, और ये भी लीलन फैब्रिक में था। और इस मौसम के हिसाब से ये वाले सूट जो है ना इनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये फुली वर्क जितना भी आप देख रहे हो फुली वर्क आएगा, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसका। और जो इसका शर्ट का फ्रंट है वो भी मैं दिखा देती हूँ, शर्ट का जो फ्रंट है वो भी बहुत हैवी वाला आएगा। ये रहा इसके मॉडल पिक, और ये रहा शर्ट का फ्रंट, और जिसके शर्ट के फ्रंट पे भी फुली वर्क है, आप इसका जितना भी आप देख रहे हो सारा वर्क आएगा। और जो मैंने नेक का पैच दिखाया था वो इसके शर्ट के फ्रंट पे लगेगा, और जब नेक का पैच इस पे लगेगा ना ये सूट और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो ये वाले सूट जो होते हैं ना ये डिज़ाइनर सूट्स होते हैं, तो ये हमेशा आप बहुत अच्छे से अगर आप इसको कैरी करेंगे ना तो आप ये किसी शादी फंक्शन वगैरह पर भी आप इसको डाल सकते हो। बस इसको अच्छे से, इन सूट्स को हमेशा एक अच्छे से स्टिच करवाएं। हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी सूट्स तो ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सूट्स हम सोचते हैं वो एक्सपेंसिव है, तो चलो स्टिचिंग से हम पैसे बचा लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी नॉर्मल टेलर से हम वो सूट स्टिच करवा लेते हैं, बट वो हम 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में क्या होता है, वो जो सूट का जो हमने एक लुक आनी होती है ना वो लुक सूट की नहीं आती है जब हम इस किसी को नॉर्मल टेलर को जाके हम वो सूट दे देते हैं। हमेशा पाकिस्तानी सूट्स में हमेशा सजेस्ट करूँगी, जब भी आप पाकिस्तानी सूट्स ले रहे हैं ना तो हमेशा उसको एक अच्छे मास्टर से ही स्टिच करवाएं, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी सूट्स क्या होते हैं उनके पैचेस बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल टेलर को कभी समझ नहीं आती है कि वो पैच किस तरह से लगाने हैं। तो एक जो अच्छा मास्टर होता है जो वही आपके सूट्स को है ना पाकिस्तानी सूट्स में हमेशा बनने के बाद ही जान आती है। तो आप जैसे ये वेलवेट का सूट आप देख रहे हो, इसके साथ ये पैचेस आ जाएंगे इस तरह से, और वेलवेट का सूट पे फुली वर्क था, और ये स्लीव्स आ जाएगा इसका फुली वर्क है, और बहुत ही प्यारा ये भी पार्टी वेयर सूट आपका इस तरह से आपका जो है ना ये कलेक्शन आपकी वेलवेट में आपकी रेडी हो जाएगी यहाँ से। और इसके शॉल भी बहुत ही प्यारी आएगी, ये आ जाएगी इसके शॉल, ब्रोशर की वाली शॉल आएगी जिस पे भी ये वेलवेट का वर्क था, और ये भी बहुत ही अच्छा सूट था, और इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और सूट भी बहुत प्यारा था। और इसमें भी इनके पास बहुत सारे कलर्स आपको इनके पास मिल जाएंगे, प्लाची में इस तरह के वाले सूट बहुत सारे आपको इनके पास मिल जाएंगे। एक ये वाला कलर था ये भी बहुत प्यारा था, ये इसका हैवी पैच आएगा जो इसके नेक पे लगेगा,
और आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं या फॉरेन से देख रहे हैं, ये कोरियर आपको ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी कोरियर हो जाएगा। बिना डरे हुए आप इनसे अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो और ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट से मिलेगा, बिल्कुल भी कॉपी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल भी माइंड में डाउट ना रखें कि ये कॉपी होगा, कॉपी बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स में ही बिल्कुल ये डील करते हैं। और ये भी मिनहाल का सूट आएगा, ये भी फुली वर्क है और मिनहाल के बहुत ही प्यारे, हमेशा जो पाकिस्तानी सूट्स पहनते हैं तो वो जानते हैं कि मिनहाल ब्रांड, रमशा ब्रांड, इनका हमेशा क्वालिटी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी हाथ का ये वर्क आएगा, एम्ब्रॉयडरी इस पर फुली एम्ब्रॉयडरी है। इसका शॉल भी मैं आपको बताती हूँ, शॉल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका। और मैंने कौन से वाले सूट्स बाय किए हैं वो मैं आपको घर चल के उसका प्रॉपर वीडियो भी मैं आपको बता दूंगी, बट मैं चाहती थी साथ ही साथ मैं आपको इनकी बुटीक की और भी कलेक्शन बता दूं कि इनके पास आपको किस तरह के सूट्स मिल जाएंगे। ये शॉल आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा शॉल है, तो इनको आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इनके पास अगर सूट कस्टमाइज़ करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अगर आप मेरी वीडियो आपके किसी काम आती कि मैंने वहाँ से कौन से वाले सूट जो थे वो बाय किए थे। मुझे एक सूट अपने लिए लेना था, एक अम्मी के लिए लेना था और इसकी ओपन वीडियो भी मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ ये सूट कैसा था। इनके पास विंटर में काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, शिफॉन वगैरह में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और ये वाला सूट है जो मैंने बाय किया था मस्टर्ड कलर का, मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसमें एक कलर और भी था जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, जिसका शॉल बहुत ज़्यादा हैवी था, बट मुझे इतना हैवी शॉल वाला दुपट्टा मुझे नहीं चाहिए था। ये इसका पैच आएगा, पैच का जो कट वर्क था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जब मैं ये सूट स्टिच करवाऊंगी ना, मैं आपको ये वीडियो बताऊंगी कि ये वाले जो सूट्स होते हैं ना, इसको आप किस तरह से स्टिच करवा सकते हो, प्रॉपर इसकी स्टिचिंग डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो इसका दुपट्टा था, ये शॉल टाइप दुपट्टा था सॉफ्ट में, और इसका जो इसके ऊपर जो फ्लोरल प्रिंट था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से मैंने ये सूट लिया ना, इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट लिया, क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इंशाल्लाह जब मैं ये सूट बहुत जल्दी मैं स्टिच करवाऊंगी और प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तानी सूट किस तरह से आप इसको बनाएं, किस तरह से इसको डिज़ाइन करें और किस तरह से स्टिच करवाएं कि आपकी पाकिस्तानी सूट्स की पूरी लुक चेंज हो जाती है। तो और ये वाला सूट था जो मैंने अम्मी के लिए लिया था, उनके लिए मैंने विंटर का सूट नहीं लिया, क्योंकि एक डेढ़ महीने के बाद वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनके लिए समर का सूट लिया। इलॉन का सूट था, ये भी नूरे ब्रांड का सूट था ये वाला। नूरे ब्रांड का भी कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये इस तरह से शर्ट के फ्रंट पे इस तरह से वर्क आएगा, कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था अम्मी के हिसाब से, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था, तो उनको भी ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये बॉटम था, और बॉटम के साथ में ये पैचेस इसके साथ आ जाएंगे, ये बैक आ जाएगा। दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था शिफॉन का, और जो दुपट्टा है दुपट्टे की इस तरह से दोनों तरफ से हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और ये वाली काफ़ी अच्छा दुपट्टा वाला मुझे लगा, और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया सूट जो था, मुझे अपना भी बहुत ज़्यादा पसंद आया जो मैंने वहाँ से बाय किया था। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए अपने ये वाले सूट। और ये वाला सूट जब मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, बहुत जल्दी मैं आपसे इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैंने ये वाला सूट किस तरह से स्टिच करवाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से आप अपने ड्रेसेस कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब क्या होता है कि मॉडल ने जिस तरह से सूट वेयर किया है तो हम सोचते हैं कि ये ड्रेस उस तरह से नहीं बन पाएगा, बट आप अपना ड्रेस इस तरह से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो जिस तरह से मॉडल ने वेयर किया है। मैं अपना ड्रेस बिल्कुल सेम ऐसा ही रेडी करवाऊंगी जब इंशाल्लाह जब शेयर बनेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं और नेक्स्ट अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।